बीजेपी और साथियों का गठबंधन एनडीए साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 318 सीटें जीत सकती है। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपने दम पर 70 और साथियों के साथ 73 सीटें मिलने की संभावना है। यह अनुमान लोकसभा चुनाव 2023 को लेकर इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में बताया गया है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात जो कही गई है कि अमेठी में अगर राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो वह जीत जाएंगे। ऐसा अमेठी की स्थानीय जनता में कांग्रेस के लिए उपजी सहानुभूति के आधार पर कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सहयोगियों को 80 में से 73 सीटें मिलने की बात कही गई है तो कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलेंगी और ये दोनों सीटें भी अवध क्षेत्र की ही है। इन्हीं में से एक अमेठी की है, लेकिन अमेठी में अब बीजेपी के हाथ से निकलकर कांग्रेस के पास तभी जाएगी जब यहाँ से राहुल गांधी चुनाव में खड़े होंगे। ओपिनियन पोल में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें मिलने की बात कही गई है। ये दोनों सीटें अवध क्षेत्र की ही है, इन्हीं में से एक अमेठी सीट है। अब इन सब के इतर एक सवाल यह उठ खड़ा होता है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं। गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया गया था। ऐसे में अगर अदालत राहुल गांधी को दी गई सजा को स्थगित नहीं करती तो वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के लिए इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे ने खुशखबरी लाया है। हालांकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ से निकलकर यह सीट बीजेपी के हाथ में चली गई थी। ऐसे में यह सर्वे कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं सुखद संकेत है। अगर कोर्ट राहुल गांधी को राहत दे देती है तो वो अपनी पुरानी सीट पर फिर से वापसी कर सकते हैं। हालांकि अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी की याचिका पर 4 तारीख को सुनवाई होनी है। अब 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी यहीं से सांसद थे। वहीं राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी अमेठी से सांसद रह चुकी हैं। बता दें राहुल गांधी लगातार 3 बार अमेठी से सांसद चुने जा चुके हैं। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। उस चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा केरल के वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था और यहां से वो सांसद चुने गए थे। बता दें इस सर्वे में कहा गया है कि बुंदेलखंड की 4 सीटें हैं जो सभी बीजेपी को ही मिलेंगी। इसी तरह अवध क्षेत्र की 14 में से 12 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। पूर्वांचल में 29 सीटें हैं, इनमें से 28 बीजेपी के पास जाएंगी और 1 सीट सपा को मिलेगी। इस तरह कुल 80 सीटों में से 70 बीजेपी को अपना दल को 2 सीट, सुभा सपा को 1, सपा को 4, आरएलडी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय है, इसके बीच कई कंपनियां अपना अलग अलग तरह के सर्वे लेकर आएंगे। कोई किसी के पक्ष में सर्वे लेकर आएगा, कोई किसी के पक्ष में सर्वे लेकर आएगा। अब ऐसे में देखना है कि आगे जितने भी सर्वे आते हैं सबके आंकड़े कैसे रहते हैं, किसको कितनी सीटें कहां से मिलती हुई दिखाई जाती हैं। बहरहाल आप इस सर्वे को किस तरह से देखते हैं आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो पर लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।